नमस्कार आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करेंगे और इससे पहले जो वीडियो बनी है उसमें मैं 16 क्वेश्चन तक बता दिया था आज सत्रहवा क्वेश्चन हम हल करेंगे तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं देखिए यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी तो सिद्ध कीजिए कि की बी सेक ठीठा बटे को से ठीठा बराबर एक हमको सिद्ध करके एक लाना है तो सबसे पहले इसको हम एल को उतार लेंगे तो यहाँ लिख देंगे एल एच एस बराबर बी से बटे ए को एक ठीठा ठीक है अब सेक ठीठा देखिए यहाँ टेन ठीठा का सूत्र मान दिया है तो इसलिए इसको ऐसा करिए कि ये टेन थीटा में बदल जाए तो हम sec को बदल देंगे cos में और कोशेक के बदल देंगे साइन में तो जब cos और साइन आ जाएगा तो टेन के रूप में लिख सकते हैं तो वही काम करेंगे तो इसको b बटे ए जैसे यहाँ b है यहाँ a है तो इसको अलग कर सकते हैं b बटे अलग कर सकते हैं और sec ठीटा को लिख सकते हैं एक बटे काश ठीठा सेक ठीठा बराबर होता है काश का उल्टा यानी कि एक बटे थीटा लिख सकते हैं और कोशेक ठीठा बराबर लिख सकते हैं एक बटे साइन ठीठा अब ये साइन ठीठा ऊपर चला जाएगा और कास्ट ठीठा नीचे चला आएगा ये रूल होता है तो बी बटे ए साइन ठीठा ऊपर चला गया तो हो गया साइन ठीठा काश ठीठा नीचे आ गया तो हो गया काश ठीठा यानी उलट जाएगा अब यहाँ पर हो गया b बटे अब इस साइन थीटा और इन बटे कास्ट थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा तो इसके जगह हम लिख देंगे टेन थीटा अब हमारे पास टेन थीटा का मान मौजूद है टेन थीटा बराबर a बटे बी है तो यही मान टेन थीटा का मान यहाँ पर a बटे बी रख देंगे अब b से b कट जाएगा a से ए भी कट जाएगा तो कुल मिला के वन आ गया और हमको इसको हल करके वन लाना था तो मैंने एल एच एस उतारा और आर एच एस आ गया लिखेंगे यहीं पर लिख देंगे साइड में आर एच एस हेंस आप देखिए ये जो आर एच एस है वो एक है तो ज्यों आप एल एच एस को उतारे और आर एच एस आ ही गया तो उसके बगल में ही आर एच एस लिख करके हेंस प्रूफ लिख दिया जाता है जैसे यहाँ वन है तो वन के बगल में आर एच एस क्यों लिखे क्योंकि जो वन आ ही गया आर एच एस आ ही गया इसलिए इसको हम आर एच एस लिख करके हेंस प्रूफ लिख देंगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो गया अगला क्वेश्चन देखते हैं आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन अट्ठारह नंबर क्वेश्चन का हल कैसे होगा चूँकि ये तो पिछली वीडियो में भी इस तरह के टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं फिलहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार और इसी क्वेश्चन को नहीं इसके आधार पर क्वेश्चन था उसको बताया गया है उस वहाँ जा कर के आप उसको सीख सकते हैं फिलहाल एक बार यहाँ पर और बताया जा रहा है उसको ध्यान दें अब देखिए का से बराबर दिया चार बटे पाँच तो इसी के सहारे हम चित्र बनाएंगे और चित्र बना के त्रिभुज में तीन भुजा होती समकोण में तो एक भुजा इसमें से गायब है जिसे चार पाँच में से दो ही भुजा दिया है एक भुजा इसमें गायब है कौन भुजा गायब और कैसे प्राप्त होगी तीनों भुजा जब ज्ञात हो जाएगा उसके बाद इसमें देखिए टेन में आएगा लंब बटे आधार और इसमें आएगा आधार बटे कर्ण तो तीनों भूजा आ रही है लंब आधार कर्ण तो दो ही भुजा हमको पता है चार बटे पाँच तो चार बटे पाँच के सहारे हम तीसरी भुजा पता करेंगे पाइथागोरस परमे से यह नियम होता है सभी तरह का इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं भी आता है तो हर जगह ये नियम आपको लगाना होगा तो अभ्यास कर डालना है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और अभ्यास करके आप उस चीज़ को सीखें तो चलिए हम इससे सीधे सिद्ध चित्र प्राप्त कर रहे हैं तो देखिए लिखा है कॉस ए बराबर चार बटे पाँच तो इसके बराबर आप सूत्र जानते हैं कॉस ठीटा यानी कौश ए बराबर आधार बटा कर्ण ये फार्मूला होता है अब यहीं पर चित्र बना लीजिए और देख लीजिए कि इसके सहारे कैसे हम तीसरी भुजा का मान निकाल रहे हैं है। आप देखिए यहाँ ए दिया हुआ है तो ए इसी में से किसी एक को ए मानना एक कोने को तो इसको ए मान ले रहे हैं इसको बी मान ले रहे हैं इसको सी मान ले रहे हैं और इसी कोण की चर्चा हो रही है देखिए यहाँ ए लिखा है तो एक ही चर्चा होगी बी अगर लिखा रहता था तो इस कोण की इस कोण की चर्चा होती अगर सी लिखा रहता तो इस कोण की चर्चा होती ये बहुत मायने रखता है कि किस कोण की चर्चा हो रही है क्योंकि इसके लिए लंब आधार बदल जाएंगे इसकी तुलना में इसलिए मायने रखेगा कि इसकी इसके लिए हमको लंब आधार देखना है न कि इसके लिए न इसके लिए इसके लिए लंब आधार देखना है इसका असर पड़ेगा सवाल में तो चलिए अब आप देखिए यहाँ पर आधार इसके लिए आधार क्या हो इस कोण के लिए होगा लंब ये होगा कण और ये होगा आधार तो इसके लिए ये हो गया आधार यानी आधार के जगह चार तो ये हो गया हमारा चार ये आधार हो गया कण हो गया पाँच कर्ण हमेशा नब्बे अंश के सामने वाला होता है इसलिए फिक्स है तो ये हो गया हमारा पाँच बी पता नहीं है तो बी को हम ज्ञात करेंगे तो चलिए बी का कैसे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे तो लिखेंगे अब अब लिख करके ए स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लम का स्क्वायर और ए स्क्वायर आधार का स्क्वायर लम आधार का स्क्वायर करके जोड़ देते नियम है अब ए सी का स्क्वायर यानी पाँच का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर यानी चार का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर पता नहीं है तो यहाँ पाँच का स्क्वायर पच्चीस और चार का स्क्वायर सोलह और प्लस ए बी स्क्वायर अब सोलह में पच्चीस में सोलह इधर ला के घटा देंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर और सोलह में पच्चीस में सोलह घटेगा तो आएगा नौ ए बी स्क्वायर और स्क्वायर e हटेगा तो ए बी बराबर करी में नौ जैसे उस पर स्क्वायर हट जाएगा तो कड़ी नौ हो जाएगा और नौ का वर्गमूल प्लस माइनस तीन हम प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे त्रिकोणमिति प्लस के लिए ही इस्तेमाल के लिए होती है क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई प्लस में ही ली जाएगी अब वर्गमूल होने की वजह से प्लस माइनस दोनों होता है लेकिन हम प्लस का ही इस्तेमाल करते हैं अब देखिए अब हमको मिल गया है अब हम लोगों को प्राप्त हो चुका है अब यहां पर एल उतार लीजिए क्यों भाई एल क्यों क्योंकि देखिए इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे दोनों का आंसर मैच कराया जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा तो इसको हल करेंगे तो कुछ आंसर आएगा इसको हल करेंगे तो कुछ आंसर आएगा और दोनों आंसर को मैच कराया जाएगा और देखा जाएगा दोनों बराबर आए कि नहीं यदि बराबर आ गए तो प्रूफ हो गया तो वही काम दोनों को यहां पर हल करना पड़ेगा तो चलिए एल एस उतार लेते हैं तो टेन ए बटे वन प्लस ये बराबर थोड़ा सा इधर जगह का अभाव है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अब टेन ए के जगह टेन ए का मान रखिए इसके देखिए टेन ए बराबर होता है बटा आधार तो लंब हो गया तीन आधार हो गया चार तो ये हो गया तीन बटे चार वन प्लस और यहाँ भी टेन ए के जगह तीन बटे चार है लेकिन ये स्क्वायर होगा तो ये नौ बटे सोलह हो जाएगा तीन बटे चार अगर वर्ग होगा तो नौ बटा सोलह हो जाएगा वर्ग करके लिखें इसका वर्ग करके यहाँ लिखेंगे क्योंकि वर्ग दिया हुआ है आप देखिए तीन बटे चार और अब क्या करेंगे इस एक और सोलह का एल्शियम लेंगे तो आएगा सोलह और यहाँ सोलह सोलह एक से सोलह भाग करेंगे तो आएगा सोलह सोलह में एक का गुड़ा करेंगे तो आएगा सोलह और सोलह से सोलह में भाग करेंगे तो आएगा एक और एक से नौ में गुड़ा करेंगे तो आएगा नौ ये तो लस का नियम होता है आप जानते भी हैं तो तीन बटे चार ये ऊपर का ऊपर ऐसे उतारते उतार रहे हैं आज सोलह और नौ जोड़ देंगे पच्चीस बटे सोलह ये हो गया हमारा पच्चीस बटे सोलह अब क्या करेंगे तीन बटे चार और ये बटे के जगह हम भाग का चिन्ह लगा दे रहे हैं पच्चीस बटा सोलह थोड़ा सवाल हल करने के लिए ये बेसिक नियम होता है तीन बटे चार में भाग करना है पच्चीस बटे सोलह यानी तीन बटे चार में भाग करना है पच्चीस बटे सोलह से अब तीन बटे चार और ये भाग के जगह लगा देंगे गुड़ा का चीन और 25 बटे सोलह के जगह हो जाएगा 16 बटे पच्चीस जब हम भाग के जगह गुड़ा लगाएंगे तो ये उलट जाते हैं तो ये हो जाएंगे इसको काट दीजिए चार कम चार और चार चौक सोलह अब नहीं कटेगा तीन चौक बारह बटे पच्चीस ऊपर का ऊपर गुड़ा करके ऊपर लिख देंगे और नीचे का नीचे गुड़ा करके नीचे लिख देंगे तो ये आ गया आपका एलचस का मान तो ये रहा है एल एच एस बराबर बारह बटा पच्चीस ठीक है ना अब एल एच एस का मान जो आ गया अब इसको हम आर एच एस को भी हल करेंगे उसके भी मान को निकालेंगे तो अब आर एच एस को भी उतार लीजिए तो आर एच एस बराबर है साइन ए बटे से के ठीक है तो साइन ए का मान रखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण तो लंब हो गया तीन और कर्ण हो गया पाँच यानी तीन बटे पाँच और सेक ए बराबर देखिए कास का उल्टा होता है कास का हो गया आधार बटे कर्ण तो सेक इसका उल्टा होगा यानी कर्ण ऊपर जाएगा आधार नीचे आएगा तो कर्ण बटे आधार तो कर्ण कौन होगा पाँच और आधार क्या होगा चार अब इसको भी वही काम तीन बटे पाँच भागा पाँच बटे चार तीन बटे पाँच अब भाग के जगह लगा देंगे गुड़ा का चिन्ह तो पाँच बटे चार के जगह लिख देंगे चार बटे पाँच अब ये हो गया हमारा चार तई बारह अब पाँच पचे पच्चीस ये रहा किसका मान आर एच एस का तो आर एच एस बराबर बारह बटे पच्चीस अब देखिए आप जब एल को हल किए हैं तो 12 बटे पच्चीस आया है और आर को भी हल किए हैं तो भी 12 बटे पच्चीस आया है तो दोनों का मान बराबर आने से ये प्रूफ हो गया कि ये बराबर ये है तो लिख देंगे अतः अतः अच्छा ऐसे लिख लीजिए चूँकि एल एच एस बराबर आर एच एस चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस इसलिए इसको पूरा सवाल उतार सकते हैं इसलिए टेन ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे से के यही लिख देंगे हेंस प्रूफ ये भी एक तरीका है लगाने का एक बात देख लीजिए इसके सहारे हम चित्र प्राप्त किए हैं और इसमें दो भुजा पता थी ये जो है नहीं पता था तो ये पाइथागोरस से हम उस तीसरी भुजा का मान निकाले हैं और उसके बाद एलचस को हल किए हैं यहाँ से यहाँ तक एलचस आया है और फिर आचस को हल किया अलचस का भी मान आया है और दोनों का मान देखें एक बराबर आ गया तो चूंकि ये मान दोनों बराबर हैं इसलिए ये राशि इस राशि के बराबर ये राशि इस राशि के बराबर ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी एक तरीका होता है लिखने का तो ये आप लगा लेंगे और फिर अब आगे क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है बाईस इस क्वेश्चन नंबर बाईस में ये जो मान दिया है कास्ट हीटा बराबर यम बटे यन इसी के सहारे हम तीसरी भुजा प्राप्त करेंगे और तीनों भुजा जैसे कि मैं बता दूं सम को त्रिभुज में तीन भुजा होती है जिसमें से लम कर आधार होता है और लम कर आधार में से कोई भी दो भुजा मालूम रहेगी तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं तो यहां पर वही काम करना पड़ेगा तीनों भुजा आ रही है इसलिए तीनों भुजा की जरूरत पड़ेगी तो दो भुजा दिया है तीसरी भुजा हमें मालूम नहीं है तो तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे तो पहले चित्र बनाएंगे इसके सहारे चित्र बनाएंगे और जब चित्र आ जाएगा तो उसमें देखेंगे कि कौन भुजा नहीं मालूम है जो भुजा नहीं मालूम है उसका पाइथागोरस से हम उसका मान निकालेंगे जब उसका मान आ जाएगा तब इसमें पुट करेंगे तो इसका मान आएगा तो चलिए अब इसको करते हैं यह हो गया कास्ट थीटा बराबर यम यन। इसका सूत्र आप जानते हैं कास्ट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर तो यहां हो गया हमारा आधार और यह हो गया कर अब यही चित्र बना लीजिए आप इसका चित्र ऐसे बन गया यह हो गया हमारा नब्बे अंश का यहां हो गया नब्बे अंश इसको हम ए मान लिए, इसको बी और इसको सी देखिए थीटा यहाँ माना गया है तो इसको ऐसे करके यहाँ थीटा मानना पड़ेगा यही बात है इसमें यह चीज ध्यान रखना पड़ेगा थीटा आप यहाँ भी मान सकते हैं यहाँ भी मान दोनों में से आप कहीं मानेंगे यहाँ नहीं मानेंगे यहाँ और यहाँ मान करके ही हम सवाल हल करेंगे अगर इस यहाँ ठीटा मानेंगे तो लंब ये होगा अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो लंब ये होगा।, तो होगा तो ये चीज़ थीटा मानने के ऊपर निर्भर है लेकिन आंसर में जो मान आप निकालेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसका मान सही रखना पड़ेगा और यहाँ ठीटा मानेंगे तो यहाँ इसके हिसाब से मान रखेंगे और यहाँ ठीठा मानेंगे तो वो उसके हिसाब से मान रखेंगे तो अक्सर जब एक ही ठीटा ही मानना है तो अक्सर हम लोग नीचे मान जो ईजी रहता है तो यहाँ पर ठीटा मान लिया गया है उसी ठीटा के सहारे हम देख रहे हैं कि यम क्या होगा तो अब देखिए जो साइन ठीटा है यम बटे यानी कि आधार बटे कर्ण यानी ठीटा के लिए आधार क्या होगा तो ठीटा के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण होगा तो ये वाला आपका आधार होगा तो ये हो गया आपका आधार तो आधार के जगह रख देंगे यम यानी यह मान हो गया यम ठीक है अब कण होगा यन कण फिक्स रहता है कण हमेशा फिक्स रहता है नब्बे अंश के सामने जो है कण होता है अब यहाँ पर मालूम नहीं है बी का मान कितना होगा तो बी का मान निकालेंगे तो अब लिखेंगे अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके जोड़ देंगे अब ए सी का मान मालूम है यन का स्क्वायर और बी सी का मान नहीं मालूम है इसक्वायर इसे उतार दीजिए और ए बी का मान है यम स्क्वायर अब यम स्क्वायर को इधर लाइए तो यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर ठीक है अब बी सी स्क्वायर अगर स्क्वायर इसको हटाएंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा तो बी सी बराबर आएगा करड़ी में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर इस तरह से हमारे पास बी सी का मान भी मालूम हो गया अब क्या करेंगे बी सी का मान निकालने के बाद अब इसमें हम एल एच एस में रख देंगे एल एच एस नहीं यहाँ पर जो मान निकालना है उसमें रखेंगे तो लिखेंगे टेन थीठा माइनस कॉ ठीटा इसका मान निकालना है तो अब टेन थीटा बराबर होगा यहाँ इस थीटा के लिए लंब और आधार देखना है क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है बटा आधार तो ये लंब हो गया हमारा कड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर और आधार के जगह हम रखेंगे एम यहाँ लिखेंगे माइनस और cos थीटा का मान यहाँ देखेंगे cos थीटा बराबर होगा इसी का उल्टा होगा टेन थीटा का उल्टा यानी यम यम हमारा आधार बटे आधार बटा हमारा लम्ब हो जाएगा तो आधार के जगह लिखेंगे यम और लम्ब के जगह लिखेंगे कड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर अब इसी को हल किया जाएगा इसका इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यम इन टू अंडर रूट स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर ठीक है इससे इससे काट देंगे तो ये बचेगा तो इसमें इसका गुड़ा होगा तो ये इससे गुड़ा होगा तो एक कड़ी खत्म हो जाएगी तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ये वाला राशि इस राशि से कट जाएगा तो बचेगा यम तो यम का यम में गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर अब देखिए एन स्क्वायर माइनस माइनस से ये दोनों जुड़ जाएगा टू यम स्क्वायर बटे यम इंटू कड़ी मेंयन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर यही आपका आंसर है और इतनी आंसर लाना था देखिए इसके सारे हम चित्र बनाएंगे और जब चित्र बन जाएगा तो तीसरी भुजा का मान निकालेंगे और तीसरी भुजा का जब मान आएगा तो जो ये मान पूछ रहा था उसको हम मान निकाले हैं और यही आंसर है इतना ही आएगा यहीं पर इसका जवाब है इसको हैंस प्रूफ नहीं लिखेंगे सिद्ध नहीं करना था इसका मान निकालना था तो इसलिए इसको लिख देंगे आंसर ठीक है इतना ही इस तरह से लगेगा अब अगला क्वेश्चन को देखिए अब ये टेन थीटा बराबर होगा चार बटे पाँच तीन ये दिया हुआ है इसी के सहारे इसको हल करना है तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर हम फिगर न बनाएं तो भी इसको हल कर सकते हैं कैसे क्योंकि देखिए साइन कास दिया है और टेन में साइन कास होता है इसलिए यूज किया जा सकता है तो कैसे यूज करेंगे चलिए एलचस उतार लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे एलचस बराबर टू साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा बटे टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा अब कैसे यूज कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर टेन है ना अगर टेन इसमें भी दिखाई दे या कॉट दिखाई दे टेन का उल्टा काट होता है अगर काट का मान निकालना है तो ये चार बटे तीन के जगह तीन बटे चार लिख देंगे उलट जाएगा वो वैल्यू तो यहाँ पर काट का मान हो जाएगा तो अब क्या करेंगे आप इसको कॉट बनाइए चाहे साइन बनाइए टेन बनाइए तो इसमें से साइन कास में से कोई एक कामल लेना पड़ेगा जो हम कामन लेते हैं उसी से सभी में भाग करते हैं जैसे ऊपर वाले देखिए ये मीन बटे है जो ये वाला मीन बटे ये मीन बटे में लिख दिया और इसमें अब जो मैं कॉमन लेने वाला हूँ यहाँ बाहर लिख दूँगा ठीक है अब देखिए ये मीन बटे लिखा गया ऊपर जो से, जो मैं कामल लेने वाला हूँ यहाँ लिखूंगा तो ये हो गया हमारा साइन थीटा मान लेते हैं ऊपर से साइन थीटा कामन और नीचे से भी साइन थीटा कामल ले ले रहे हैं ठीक है अब नीचे से ऊपर से साइन थीटा कामन हो गया तो जो हम कामन लेते हैं उसी से भाग करते हैं यहाँ देखिए ये चीज़ देखेंगे ध्यान से ये हो गया आपका टू साइन थीटा ऊपर जो है टू साइन थीटा और माइनस थ्री कॉस्ट थीटा दिया हुआ था ये ऊपर दिया था नीचे वाला लिख लीजिए यहाँ टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस्ट ठीक है अब जो ऊपर से कामल लिए हैं देखिए ऊपर से साइन थीटा कामल दो तो इसी साइन थीटा से इसमें भी और इसी साइन थीटा से इसमें भी भाग करेंगे ये बात ध्यान रखना है और इसमें भी इसी साइन थीटा से इसमें भी भाग करेंगे और इसी साइन थीटा से इसमें भी तो देखिए जो आप कामन ऊपर से लिए हैं इसी में से दोनों में और यहाँ नीचे वाला लिए नीचे वाले में भाग तो इस तरह से भाग किया जा सकता है अब जो बचा है उसको उतार लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बचा है टू यहाँ सिर्फ टू बचा है और माइनस और यहाँ थ्री बचा है और कॉट थीटा बटे साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा तो ये हो गया कॉट थीटा बटे यहाँ बचा है टू प्लस और थ्री यहाँ बचा ही है और का थीटा बटे साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा अब इसका मान कैसे हल करेंगे अब देखिए ये हो गया टू टू माइनस थ्री इंटू कॉ थीटा का मान इसको उलट क्रम में रखेंगे जैसे चार बटे तीन है तो यहाँ पर हम रख देंगे तीन बटे चार और यहाँ पर हो गया हमारा टू तो प्लस टू तो प्लस या थ्री इन इसका वैल्यू रखेंगे कॉ थीटा का वही वैल्यू होगा थ्री अपान फोर अब टू माइनस थ्री में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे नाइन होगा और अपान फोर हो गया वैसे ही तो टू प्लस नाइन अपान फोर ठीक है अब इसके नीचे भी एलसीएम वाला ही वर्क होगा ये देखेंगे वन और इसके नीचे वन ये मेन बटे होगा ये जो मेन बटे है ये मेन बटे लिख लिया गया और एक और चार का बटे जो एलसीएम जो आएगा यहां लिखेंगे और इस एक और चार का एल्शियम जो आएगा इसके नीचे दोनों लिखेंगे तो एक और चार का एल्शियम होगा चार और आप देख सकते हैं एक से चार में भाग करेंगे तो चार दून आठ यहाँ हो जाएगा आठ माइनस और यहाँ हो जाएगा नौ ये तो एलसीएम वाली बात है एलसीएम लेना आप जानते भी हैं अब एक और चार का एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा चार इसको भी कलर चेंज कर देते हैं यहाँ हो गया चार और फिर ये हो जाएगा आपका ये हो गया आठ प्लस नौ तो आप देखेंगे ऊपर आया माइनस एक बटा चार और इसका मतलब भाग होता है भाग जो भी पीछे पड़े हैं आठ और नौ को जोड़ेंगे सत्रह होगा तो सत्रह बटे चार ठीक है अब इसको उलट दीजिए तो माइनस एक बटे चार गुड़े ये उल्टा हो जाएगा चार बटे सत्रह अब चार से चार कैंसिल हो गया तो माइनस एक बटा सत्रह आ गया तो अब देखिए इसको आपने हल किए और हल करते गए तो माइनस एक बटे सत्तर यानी जो आर लाना था वो आर आ गया है तो यहीं साइड में लिख देंगे आर जब देखिए आप एल को हल करें और हल करते आर एच अच्छा एस आ जाए तो वहीं साइड में आर एच एस लिख करके हेंस प्रूफ लिख देंगे या प्रूफ लिख देंगे इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब आगे क्वेश्चन 27 है।, है इसको देखा जाए 27 कैसे हल हो रहा है देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दो दिया है और टेन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है ये जो स्क्वायर करके नहीं दिया इसको स्क्वायर करके मान निकालना है तो इसी को पहले उतार लेंगे जो दिया है तो यानी इसी इसी के सहारे हल करेंगे उसका मान आ जाएगा देखिए कैसे तो लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉ थीटा बराबर दो दिया है अब उसको स्क्वायर इसमें लाना है तो इन दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ दोनों पक्षों के स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉ थीटा का होल स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर अब टेन स्क्वायर थीटा सूत्र लगाएंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू कॉ थीटा। देखिए ये जो है सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगेगा तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब यहाँ पर हो गया दो कवर करेंगे हो गया चार अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का तो मान निकालना ही है तो इसको वैसे उतार देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा और आप जानते हैं देखिए टेन का उल्टा काट होता है जैसे हम टेन को टेन ही अगर रहने दें आप काट ठीटा को लिख सकते हैं एक बटे टेन ठीटा क्यों अरे दोनों में से किसी एक कोलट देंगे टेन को पलटेंगे तो एक बटे काट लिखेंगे काट को पलटेंगे तो एक बटे टेन लिखेंगे और टेन से टेन ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा प्लस दो बराबर चार अब प्लस दो को उधर ले जाइए तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर चार माइनस दो घटा दीजिए तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर दो ये आंसर है आपका तो इसमें कुछ था नहीं इसी को उतार के भर करना था और सूत्र लगा करके काट पीट करके उधर पछांतर कर देना था और आंसर आ गया यही आपका आंसर है अब जो है देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन मैं बताया हूं उसमें एक एक टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं और एक सत्ताइस तक पहुंच गए सत्ताईस में वन से लेकर सत्ताईस तक जितने क्वेश्चन हैं सारे टाइप हम बता दिए हैं अब आगे जो कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसको अलग टाइप का रहेगा तो मैं बता रहा हूं अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस तरह से ये तो क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस देखते हैं अट्ठाइस में कैसे हल किया जा रहा क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए इसको इसका मान दिया है तो इसको ऐसे उतार लीजिए साइन ए बराबर का से देखिए कहा है ना कि ये मान दिया और इसका मान निकालना है तो इसको पहले हम उसकी तरह से कुछ यूज हो सके इसका इसलिए इसको हम सेट कर रहे हैं अच्छा यहाँ पर अगर गुड़े वन लिख दें तो का से को इधर ले आ सकते हैं जैसे कहने का मतलब है कि हमको टेन बनाना है तो इसको टेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो टेन बनाने के लिए साइन ए बराबर का से तो दिया ही है इसी को टेन बनाना है तो इसमें का से से इसमें भी भाग करना पड़ेगा और का से से इसमें भी देखिए ये टेन बने या ना बने यहाँ टेन बन गया और ये टेन हमारा हो गया तो इसको लिखेंगे टेन ए और ये कट गया तो यहाँ पर हो गया वन ठीक है टेन ए बराबर वन अब यहाँ पर टेन का मान तो हम वन रख देंगे वेरी सिंपल मगर यहाँ पर देखेंगे इसका मान कैसे निकालेंगे इसका मान कैसे निकालेंगे तो अब तो चित्र की जरूरत पड़ेगी तो इसी के सहारे हम चित्र बनाएंगे तो लिखेंगे अब टेन ए बराबर एक बटा एक लिख सकते हैं ठीक है तो टेन ए बराबर होता है यानी टेन थीटा बराबर होता है लम बटे आधार तो यहाँ लिख सकते हैं बटे आधार ठीक है अब यहाँ पर चित्र बना लीजिए इसी के सहारे आप यहाँ पर चित्र बना लीजिए अब चित्र यहाँ देखिए कैसे बन रहा अब यहाँ पर ए है तो इसको हम ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे इसको सी मान लेंगे और इसी के लिए लम्ब और आधार देखना है तो इसके लिए लम्ब एक हो गया और आधार एक हो गया तो कर्ण करड़ी में दो आएगा आप इसका मान भी निकाल सकते हैं चलिए इसका मान निकाल लिया जाए ए सी बराबर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये पाइथागोरस बार बार वही यूज हो रहा है जितना मैं एक पीछे क्वेश्चन पढ़ाया हूँ पहली वीडियो में दूसरी में दूसरी में तो सूत्र था तो पहली दूसरी तीसरी जो भी है जितना मैं बताया हूँ सारा कुछ जो है ऐसे ही है पहली वीडियो में सूत्र बना है लिखवाया गया है दूसरी वीडियो में मैं सोलह क्वेश्चन तक बताया हूँ और तीसरी वीडियो अभी पढ़ रहे हैं यानी पार्ट नंबर थ्री पढ़ रहे हैं और इस पार्ट नंबर थ्री में ये जो यूज कर रहे हैं साइन कास का यूज कर रहे हैं कड़ाधार का यूज कर रहे हैं बहुत कई बार आपको रिपीट कर कराया गया है तो आप पीछे अगर मेहनत से ईमानदारी से पढ़े हैं तो आपको ये समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी और सच्चाई है कि हर सवाल में हर चीज़ कॉमन चीज को हर चीज़ बताया नहीं जा सकता है क्योंकि आप पीछे जो पढ़ते हैं उसका रूल अगर आगे आता है तो ये आपका नियम बनता है कि आप उसको ध्यान रखें तो चलिए अब यहाँ ए बी का मान कितना है ए बी का मान एक है तो यहाँ एक रख दीजिए और बी सी का मान भी एक है तो यहाँ भी एक रखिए स्क्वायर करिए तो एक का स्क्वायर एक होगा इसका भी स्क्वायर एक होगा तो ये आएगा दो तो ए सी स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो एक में चला जाएगा ठीक है ए सी का मान निकल गया तीनों भुजा का मान निकल गया ए बी ए सी और बी सी सबका मान निकल गया अब जो मान निकालना है, जो उसका मान रखना हल करना है माइनस तो अब, अब टू से स्क्वायर ए, ए प्लस फाइव ठीक है अब दो गुड़े टेन ए का मान देखिए यहाँ टेन ए बराबर एक बट्टा एक यानी एक है तो एक का वर्ग होगा एक ही आएगा तो यहाँ तो एक ही हो गया और टू इंटू सेक सेक ए सेक का क्या होगा इस चित्र में देखिए सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार तो कर्ण कर्णी में दो और आधार एक तो ये हो गया कर्णी में दो बटे एक आ स्क्वायर लगाए तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे अब हो जाएगा दो माइनस अब दो गुड़े दो हो जाएगा क्यों कड़ी खत्म हो जाएगी कड़ी खत्म हो जाएगी केवल दो बचेगा और ये हो गया हमारा प्लस फाइव ओके बराबर लगा सकते हैं अब दो माइनस ये चार प्लस फाइव ओके और ये देखिए इसमें घटेगा पहले प्लस प्लस जोड़ लेते हैं प्लस टू प्लस फाइव प्लस सेवन माइनस फोर प्लस थ्री ओके इस तरह से हम हल किए तो इसका आ गया प्लस थ्री और यही आपका आंसर है इस तरह से ये 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन है उनतालीस तक है इसमें वन से लेकर उनतालीस तक है तो हम 28 तक पहुंच गए हैं जो उनतीस तीस है वो भी सेम है ऐसे ही है सब तो आपसे हम कहेंगे कि पहले क्वेश्चन सारा आगे लगाइए उनतालीस तक लगाइए और जो आपको कठिन लगता है वो क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख दीजिए मैं अगली वीडियो जो इसका पार्ट नंबर फोर लेके आ रहा हूँ तो उस पार्ट नंबर फोर में उस क्वेश्चन को लगा करके मैं खत्म कर दूंगा ये प्रश्नावली आठ है और इस आठ का जो सवाल है मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अगली जो वीडियो आ रही है पार्ट नंबर फोर उसमें यह आठ फिनिश हो जाएगा उसके बाद अगली वीडियो अगले लेसन के लिए बनेगी तो आज के लिए इतना ही आप सभी लोगों को नमस्कार धन्यवाद